दिल्ली को प्रदूषण से राहत संभव है या नहीं, इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अगर पराली प्रॉब्लम की बात करें तो हाँ, लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करें तो ना। पहले बताते हैं कि पराली की समस्या कैसे काबू में आ रही है, फिर बताएंगे आपको कि दिल्ली के प्रदूषण की सच्चाई क्या है जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में इस साल सरकारों की मेहनत के नतीजे दिखने लगे हैं। खरीफ और रबी के चालू सीजन में हरियाणा में पिछले साल की तुलना में 44% कम पराली जली है, जबकि पंजाब में 30% की कमी आई है। इसका नतीजा क्या हो रहा है, ये सफर के 4 साल के आंकड़े बताते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली का योगदान। 5 नवंबर 2019 को 42% था, 31 अक्टूबर 2020 को 44% था, 7 नवंबर 2021 को 48% था, लेकिन 3 साल से बढ़ रहा ये ग्राफ 3 नवंबर 2022 को घटकर 30% तक आ गया। अब इसे ग्राउंड के एक और आंकड़े से समझिए। 2022 में 15 नवंबर से पहले तक 3 दिन का प्रदूषण सीवियर यानी गंभीर श्रेणी में रहा, जो इससे महज 1 साल पहले 2021 में 12 दिन तक सीवियर कैटेगरी में बना रहा। यानी इस साल पराली के दिनों में खतरनाक दिनों की संख्या 1/4 ही रह गई। इस साल पहली बार पराली के दिनों में प्रदूषण में भारी गिरावट देखने को मिली, या यूं कहें कि दिल्ली पराली से कुछ कम ही त्रस्त थी। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पहली बार यहाँ किसानों को पराली हटाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे, बल्कि किसान अब उसी पराली से पैसे कमा रहे हैं। जगह जगह पराली को एनर्जी में बदलने वाली यूनिट्स लगने लगी हैं। ये कारखाने किसान से 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पराली खरीदने लगे हैं, जो किसान खुशी खुशी बेच रहा है। सोनीपत के अटेरना के किसानों की जुबानी सुनिए। हमारा पराली का प्रबंधन इतना अच्छा है कि 2 बेलर हैं हमारे पास में, उनसे हम ये बेले बनाते हैं, सामने रखी हुई हैं, आप देखिए इन्हें। मैं 15 किलो धान लगाता हूँ, और पहले हम जो धान की पराली होती थी उसे जलाया करते थे। जब से हमें ये मशीन मिली है सब्सिडी पे, तो हम इसके ये गड्ढे बनाते हैं और कंपनी को बेच देते हैं 1500 रुपये किलो के हिसाब से। बेबीकॉर्न प्रोसेसिंग यूनिट को पराली क्यों चाहिए, अब ये सुनिए यूनिट के मैनेजर अभिषेक चौहान की जुबानी। बहुत सारे किसान ऐसे भी है दिल्ली के जो आसपास के एरिए के है, वो अपनी पराली को जलाते नहीं बल्कि उसे सोल्ड आउट कर देते हैं। हमें जैसे इंडस्ट्री यूज़ पे यूज़ करते हैं हम उसको, हमारे ईंधन के रूप में जैसे लकड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, उससे अच्छा हमारे जो है ये वेस्टेज निकलती है ना पराली, उसको हम किसान से परचेज कर लेते हैं। वे एक एकड़ में जैसे किसान को अपना टाइम बचाने के लिए हमें बेच देती है, वे 1500 से 1000 रुपये पर एकड़ के हम ले लेते हैं, उसका हम इंडस्ट्री यूज़ पे यूज़ करते हैं। ये हमारा बॉयलर है जिससे हम मतलब उसको पराली को जला के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम अपना जो है इंडस्ट्री यूज़ में अपना काम करते हैं। लेकिन हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि डिकम्पोजर की क्षमता को और बढ़ाएं और धान की किस्में जो हैं उनकी अवधि को थोड़ा कम करें, ताकि किसान को पर्याप्त समय मिल सके, करीब 25 दिन का समय। अभी अभी भी ऐसा नहीं है कि 30 लाख हेक्टेयर अगर धान लगता है पंजाब में तो सारा का सारा क्षेत्रफल जो है देर से पकने वाली किस्मों में, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी 50% से ज़्यादा रकबा जो है वो पूसा की जो किस्म है, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 उसका क्षेत्रफल था, इसके बाद PR 126 जो गैर बासमती किस्म है उसके अंदर है, तो सारा का सारा धान लेट वाला नहीं है। जल्द पकने वाली बीज लाई जा रही है, सुपर सीडर के इस्तेमाल का प्रसार किया जा रहा है, और फिर पराली को ना जलाने पर कुछ जगहों पर दी जाने वाली इंसेंटिव, ये वो कदम है जो सही दिशा में जा रहे हैं। रही बात पराली को ईंधन में परिवर्तित करने की, तो छोटी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, शुरुआती दौर है इसीलिए वक्त लगेगा। अगले साल जब व्यापक रूप से किसान पराली बेचने लगेंगे तो आशा है कि अगले साल से पराली की परेशानी भी कम होती दिखेगी।